इन मोल्स ऑफ आइडियल गैस इज इट एज टेम्परेचर टी केल्विन, और उसको मैं एक्सपांड कर रहा हूं आइसोथर्मली, जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के एन टाइम्स है। तो हमें निकालना है डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस यूनिवर्स केसेस। पहले केस में उसको मैं रिवर्सिबली एक्सपांड करवा रहा हूं, दूसरे केस में सिंगल स्टेप आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, जिसमें पहला केस में जो इतना हीट एब्जॉर्ब हुआ है उससे क्यू नॉट लेस हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और सी जो है आइसोथर्मली एडियाबैटिकली यानी एडियाबैटिक फ्री एक्सपांशन में। अच्छा, इस केस में पहले हम एक बात को दिमाग पे बिल्कुल क्लियर कर ले, ध्यान देना, डेल्टा एस सिस्टम फॉर ऑल थ्री पार्ट्स विल बी सेम, क्योंकि आइसोथर्मली बोला है तो फर्क नहीं पड़ता है, जो आइसोथर्मली रिवर्सिबली हो आइसोथर्मली इरिवर्सिबली हो डजंट मैटर, एडियाबैटिक के साथ बाकी सब का डिफरेंस तो वही है, बाकी सब में अगर टी सेम है राइट और वी फिक्स है तो प्रेशर भी फिक्स होगा, सब कुछ फिक्स है, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में सेम है, चाहे रिवर्सिबली कराओ या इरिवर्सिबली कराओ मेरा जो एंड पॉइंट्स है वो तो सेम ही आइसोथर्म पे लाई करता है राइट। तो मेन फंडा ये है जो तीनों पार्ट के लिए यहां पर डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो हमारा डेफिनेटली सेम तो होने वाला है ही है राइट। एंड टी टू इक्वल्स टू टी वन राइट, तो डेल्टा एस सिस्टम मेरे पास सिंपली आएगा एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल एंड ओके लेट अस टेक अस एम, जो कि एन के साथ कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो डेल्टा एस सिस्टम मेरे पास सिंपली आ जाएगा एन आर एल एन एम, तो तीनों पार्ट के लिए डेल्टा एस सिस्टम तो सेम ही होने वाला है जो मैंने एक बार के लिए निकाल दिया राइट। तो ए पार्ट के लिए डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू एन आर एल एन एम। अच्छा, सराउंडिंग कैसे निकालूंगा, सिंपल बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेल्टा एस यूनिवर्स तो जीरो होगा ही होगा एज प्रोसेस इज रिवर्सिबल, वो तो होगा ही होगा, तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी माइनस डेल्टा एस सिस्टम विच इज इक्वल्स टू माइनस एन आर एल एन एम। ये हमारा तीनों के तीनों केस हो गया है। अच्छा, पहले मैं सी पार्ट के लिए कर लूं जल्दी से, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू एन आर एल एन एम, और ध्यान देना डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो तो हमारा जीरो होगा ही होगा। अच्छा, वो क्यों हमेशा जीरो होगा, द रीजन इज सिंपल, सराउंडिंग है ही नहीं, देर इज नो सराउंडिंग एट ऑल, हाँ कि ना राइट। सो डेल्टा एस यूनिवर्स will be delta S system plus delta S surrounding, यहां पर कितना आएगा एन आर एल एन एम, जो कि डेफिनेटली हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो प्रोसेस तो हमारा स्पॉन्टेनियस है।
अब बात बच गया लास्ट जो पार्ट बी है उसका, उसके अंदर डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो तो मेरा एनआर एलएन एम ही होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। मेन चैलेंज है यहां पर डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना, वो कैसे निकालेंगे। अच्छा, डेल्टा क्यू इन पार्ट ए आइसोथर्मल है, एक्सपांशन है, तो वो डेफिनेटली कितना है, एन आर टी एल एन एम। तो यहां पर जो डेल्टा क्यू बी है वो कितना बोला है, एन आर टी एल एन एम माइनस क्यू नॉट। एंड ध्यान देना, तो डेल्टा क्यू सराउंडिंग जो होगा दैट इज माइनस डेल्टा क्यू बी दैट इज क्यू नॉट माइनस एन आर टी एल एन एम। सो डेल्टा एस सराउंडिंग दैट इज डेल्टा क्यू सराउंडिंग बाई टी। तो डेल्टा एस सराउंडिंग हमारे पास आएगा Q नॉट बाई टी माइनस एन आर एल एन एम। ये मेरे पास डेल्टा एस सराउंडिंग आ जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम तो मेरे पास ऑलरेडी आ रखा है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एस यूनिवर्स। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इट विल बी सिंपली क्यू नॉट बाई टी दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो। तो स्पॉन्टेनियस हमारा होना चाहिए। तो हर इरिवर्सिबल एक्सपांशन, एवरी इरिवर्सिबल एक्सपांशन इज स्पॉन्टेनियस and irreversible compression is non-spontaneous। इस बात को हम यहां पर ध्यान दें, राइट। तो हम लोगों ने दो तरह का चीज तो देख ली है स्पेशली, क्या क्या, एक हमारा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, राइट, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक उन केसेस में एंट्रोपी, और दूसरा हम लोगों ने देख लिया है जो हमारा आइसोथर्मल के डिफरेंट केसेस बन सकता है उस पे हमारा क्या होगा, right. चलो अब लास्ट एक केस करते हैं इस प्रोफाइल का। वन मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस आइसोकोरिकली हीटेड फ्रॉम 100 केल्विन टू 1000 केल्विन, आइसोकोरिकली हीटेड फ्रॉम 100 केल्विन टू 1000 केल्विन, कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस यूनिवर्स फॉर पहला केस रिवर्सिबली, दूसरा केस इरिवर्सिबली। अच्छा, अगर दे भी नहीं रखा होता तो भी मानता, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर मानना है हमेशा जो फाइनल टेम्परेचर है वो,
आइसोकोरिक के केस में वो याद रखना, अगर नहीं भी दिया होता तो हमें यही मानना पड़ता। एंड दिस इज सिंगल स्टेप। पहले अपने आप को एक बात रियलाइज करवाया जाए, जो डेल्टा एस सिस्टम विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस, क्योंकि आइसोकोरिक में फर्क नहीं पड़ता है रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, तो डेल्टा एस सिस्टम दोनों केस के लिए सेम ही आएगा। V2 इक्वल्स टू V1, तो डेल्टा एस सिस्टम आएगा NCVLN T2 by T1, तो डेल्टा एस सिस्टम N है 1, CV है 3R by 2 LN 10, ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एस सिस्टम। तो अब अगर मेरे पास केस ए हो रिवर्सिबल, तो डेल्टा एस सिस्टम तो आ जाएगा 3R by 2 LN 10 और डेल्टा एस यूनिवर्स तो जीरो होगा ही होगा क्योंकि ये रिवर्सिबल है, राइट? तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो आएगा इट विल बी सिंपली माइनस 3R by 2 LN 10। पार्ट ए हो गया। पार्ट बी के लिए डेल्टा एस सिस्टम जो है वो तो डायरेक्टली आ गया 3R by 2 LN 10। अब सराउंडिंग निकालने के लिए हमें हीट निकालना पड़ेगा। अच्छा ध्यान देना, डेल्टा क्यू सिस्टम जो भी हुआ इट्स नॉट रिवर्सिबल, राइट? डेल्टा क्यू सिस्टम विल बी सिंपली NCV डेल्टा टी, राइट? तो N तो 1 है, CV है मेरा 3R by 2 और डेल्टा टी जो है वो है मेरा 900। सो डेल्टा क्यू सराउंडिंग मेरे पास कितना हो जाएगा? ध्यान देना, इसका नेगेटिव यानी -1350R इसका नेगेटिव आएगा, राइट? और सराउंडिंग का हीट एक्सचेंज हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? डन रिवर्सिबली। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आएगा? -1350R by 1000, that is equals to -1.35R, ये मेरा आ जाएगा डेल्टा सराउंडिंग। तो डेल्टा एस यूनिवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम दैट इज 3R by 2 LN 10 -1.35R। साफ साफ देख सकते हैं 3R by 2 LN 10, LN 10 is 2.3, is approximately 1.1, so it will be approximately 3.33 in fact to be more precise. So this will be approximately kitna jayega 2R, that is definitely greater than 0. तो डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस में किस तरीके से डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस यूनिवर्स निकाला जा सकता है वो पूरा का पूरा हम लोगों ने 3 क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं। ये हमारे मास्टर क्वेश्चंस हैं, इनके सहारे हमारे पास जो भी क्वेश्चन आए वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके?